वो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। नमस्कार, मैं काशिफ अली। असदुद्दीन ओवैसी की आज हम बात करेंगे। असदुद्दीन ओवैसी हैदराबाद के सांसद हैं, लेकिन मुसलमानों के रहनुमा भी बनते हैं और कायद भी बनने की कोशिश करते हैं। कहा यह जाता है कि वो मुसलमानों की बड़ी आवाज़ उठाते हैं पार्लियामेंट के अंदर, तो इसीलिए मुसलमान युवक या मुसलमान जो लोग हैं वो बड़ी तारीफ करते हैं असदुद्दीन ओवैसी। लेकिन आज हम किसी मुसलमान से बात नहीं करेंगे इस मसले पर कि भाई असदुद्दीन ओवैसी कैसे हैं, क्या है उनकी वीडियो। बड़े मुसलमान लड़के सुनते हैं, देखते हैं। आज हम असदुद्दीन ओवैसी की बात करेंगे अभिलाष पांडे। अभिलाष पांडे जी हमारे साथ हैं, आज इनसे ही जान लेंगे कि असदुद्दीन ओवैसी को लेकर ये क्या सोचते हैं। अब मैंने आपको नाम बता दिया है, अब सारी गुणा भाग आप खुद कर लीजिएगा। अभिलाष पांडे नाम है इनका। पांडे जी, असदुद्दीन ओवैसी नाम सुना, जहन में क्या आता है? देखिए भाईजान, एज ए जर्नलिस्ट या एक पत्रकार की हैसियत से जो भी चीज़ें हैं हमें यही सिखाया जाता है कि बायस ना हो। देखिए, बयानबाजी हर जगह होती है, और चाहे वो कम्युनिटी का नेता हो, नेता नेता होता है। और अगर नेता किसी के पक्ष में बात नहीं करेगा तो मुझे नहीं लगता कि उस नेता का नेता होना सही है। दूसरी बात, असदुद्दीन ओवैसी को जिस तरह से पेश किया जाता है, जिस तरह से उनके बयानबाजी, जो ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है, हो सकता है ये गलत भी हो सकती है, क्योंकि देखिए जितना हमने अभी तक देखा है ऐसा नहीं है कि उन्होंने गलत बयान नहीं दिए। कई जगह गलत बयानबाजी भी हुई है जो उनके भाई अकबरुद्दीन ओवैसी साहब ने की थी, लेकिन कई जगह वो सही भी होते हैं। एक उनका बयान मैं अभी कुछ दिनों पहले देख रहा था, बड़ा सही बयान था। हालांकि उस दौरान कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, और उन्होंने एक सवाल बड़ा अच्छे तरीके से पूछा था कि अगर मुसलमान मारे तो वो इंडियन मुजाहिदीन का शख्स है, और अगर वहीं कोई क्रिश्चियन मारे या कोई और मारे तो वो माओवादी कहलाता है। तो ये फ़र्क है, क्योंकि देखिए मुस्लिमों को भी रहने का उतना ही हक है भारत जैसे देश में जितना हिंदुओं को है और जितना बाकी धर्म के लोगों को है, क्योंकि हम एक सेक्युलर स्टेट में रहते हैं। मुझे लगता है कि यहाँ पर सभी धर्मों को उतना ही सम्मान दिया जाता है, क्योंकि हमारे राष्ट्रपति भी डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम रह चुके हैं। और यहाँ पर अगर लोग इस तरह की राजनीति करते हैं तो ये सिर्फ अपने फायदे के लिए है। और अगर सिर्फ असदुद्दीन ओवैसी की जो बात की जाए, कई ऐसे नेता हैं जो बड़े हिंदूवादी नेता हैं, बड़े कट्टरवादी नेता हैं, तो अब लोग अगर उस तरह की बात करते हैं, जब वहाँ पर सवाल नहीं होते तो इन पर क्यों सवाल। अच्छा, एक सवाल मैं और पूछूंगा आपसे पांडे जी, कि जब असदुद्दीन ओवैसी को आप तो संसद के अंदर सुनते होंगे, किस तरीके से वो अपनी बात रखते हैं, बड़े दहाड़ते हैं, बड़े चीखते हैं, उस वक्त गुस्सा आता है या उनकी स्पीच को बड़ी खामोशी से सुनते हैं आप? देखिए, दो तरह की चीज़ें होती है काशिफ भाई, क्योंकि ज़्यादातर लोग, आप भी जानते हैं, आप भी इतनी पत्रकारिता करते हैं, लोग पहले से अपनी धारणा बना चुके होते हैं। अगर कोई मोदी के फेवर में बात करता है तो वो मोदी भक्त कहा जाता है, कोई कांग्रेस के फेवर में बात करता है तो वो गांधी परिवार का वो कहा जाता है। सही बात उठा रहे हैं आप, सबसे बड़ी बात जी ओवैसी भक्त को भी ला रहे हैं। बिल्कुल, ओवैसी भक्त भी होंगे, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ओवैसी भक्त नहीं है। देखिए, ऐसा नहीं है कि कई मेरे मुस्लिम फ्रेंड्स भी हैं और उनका भी कहना होता है, कई लोग उनकी बातों से एग्री करते हैं और कई लोग ये भी कहते हैं कि नहीं यार, उनको इस तरह की बातें नहीं कहनी चाहिए थी। तो मैं ये नहीं मानता कि एक पूरी कौम को आप इस तरह से बदनाम कर दें, क्योंकि उन्हें भी रहने का उतना हक है जैसा मैं हमेशा ये चीज़ कहता हूँ। दूसरी बात क्या है कि उनकी बातों को जिस तरह से तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाता है, ये सिर्फ राजनीतिक फायदे के लिए। और आजकल जब से मीडिया कमर्शियलाइज हुआ है तो बातों को पेश करने का लहजा और तरीका भी बहुत अलग तरीके से होता है। ये मुझे लगता है कि आपसे बेहतर और कोई नहीं जानता होगा। चलिए, अब बहुत घुमा फिरा कर ही सही, लेकिन अभिलाष जी बातें कर रहे हैं, एक नया और टर्म दिया है उन्होंने। रवीश कुमार ने मोदी भक्त दिया था और अभिलाष जी ओवैसी भक्त लेकर आए। बहरहाल, एक आखिर में सवाल ले लेते हैं अभिलाष जी, हालांकि कयास और अटकलें तो लगाई जाती हैं, कयास हम भी लगा लेते हैं। मान लीजिए कभी देश का मूड ऐसा बनता है, असदुद्दीन ओवैसी को प्रधानमंत्री देखना चाहेंगे? देखिए, क्यों नहीं देख सकते हैं हम, क्योंकि देखिए अगर यहाँ पर लोगों के आप फेवर में बात करेंगे, आप कहीं पर भी जाएं, विधानसभा चुनावों में और लोकसभा चुनावों में बहुत फर्क होता है काशिफ भाई, मैं हमेशा एक चीज़ कहता हूँ, क्योंकि विधानसभा चुनावों में वहाँ पर लोकल मुद्दे हावी होते हैं, और जब आप लोकसभा में आते हैं तो वहीं नेशनल मुद्दे भी मैटर करते हैं। तो मुझे लगता है कि अगर अच्छा काम करेंगे असदुद्दीन ओवैसी, तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर जनता उन्हें सराखों पर क्यों नहीं बिठाएगी, इस पर भी सवाल है। एक सवाल का मैं जवाब आपको देना चाहता हूँ। यहाँ पर बड़े लोग कहते हैं कि नहीं यार, ये बड़ा मुस्लिम सपोर्टर है, यार ये नेता मुस्लिमों को ज़्यादा सपोर्ट करता है। तो आदित्यनाथ योगी, चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश, वो क्या करते हैं? पहली बात तो ठीक है, उनका भी भाषण है, एक हिंदूवादी नेता के तौर पर उन्हें जाना जाता है उत्तर प्रदेश में, कितनी जगहों के नाम उन्होंने बदल डाले, अब उसमें क्या फ़ायदा था क्या नुकसान था ये तो हम नहीं जानते। लेकिन हर कोई कट्टरवादी होता है, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, लेकिन अगर किसी के फेवर में बात करना गलत है तो ये बात मुझे लगता है कि ये पर्सनली गवारा नहीं है।
क्योंकि आप एक ऐसी कंट्री में रह रहे हो जहाँ पर सभी धर्मों को उतनी मान्यता प्राप्त है, हर धर्म का लोग जो हैं वो ज़्यादातर यहाँ पर रहना चाहते हैं, देश की बात करना चाहते हैं। मैं अब से कुछ महीने पहले मैं बाटला हाउस गया था, आप भी थे मेरे साथ में, तो बाटला हाउस वहाँ पर थोड़ा आबादी जो है वो मुस्लिम आबादी ज़्यादा है, हिंदुस्तान पाकिस्तान का मैच था, उन लोगों ने हर एक भी शख्स के मुँह से मैंने ये नहीं सुना कि वो भारत को हारते हुए देखना चाहते हैं, वो हिंदुस्तान कह रहे थे, और हिंदुस्तान जो असल में हमारे देश का नाम है वो हिंदुस्तान है, और किसी ने इंडिया नहीं कहा, उन्होंने कहा कि हम हिंदुस्तान को जीतते हुए देखना चाहते हैं, हमारे ये फेवरेट खिलाड़ी हैं। तो जब लोगों में इस तरह का फर्क नहीं है तो नेताओं को लेकर इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि देखिए हर चीज़ का एक पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव इम्पैक्ट होता है। मुझे लगता है कि यहाँ पर जिस तरह से असदुद्दीन ओवैसी को पेश किया जाता है वो थोड़ा सा गलत है। बिल्कुल, तस्वीर के दो पहलू हो सकते हैं, और एक तस्वीर ये भी है कि असदुद्दीन ओवैसी जो है वो काफ़ी दिखाया जाता है कि भाई वो बहुत ज़्यादा सांप्रदायिक माहौल जो है वो बढ़ाने की कोशिश करते हैं, बिगाड़ने की कोशिश करते हैं, एक तरह एक तबका उनको बहुत ज़्यादा काबिल मानता है। बहरहाल ये पांडे जी की राय थी, पांडे जी तो कह रहे हैं कि अगर संवैधानिक देश है और लोकतांत्रिक देश है तो भाई प्रधानमंत्री बन जाएंगे ओवैसी, क्या जरूर क्या इसमें गलत है अगर वो प्रधानमंत्री बन जाएंगे, संवैधानिक है, संविधान के हिसाब से कोई भी हो सकता है। पांडे जी की तो ये राय है, आपकी क्या राय है कि असदुद्दीन ओवैसी अटकल या कयास के मुताबिक अगर प्रधानमंत्री बनते हैं तो आप उनको देखना चाहेंगे, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। नमस्कार।